चलिए चेतक, चेतक हमने कहा चलिए, 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 चेतक, चेतक, ये, चेतक, मामला सुलझ चुका है, बंदूक वाली बात को भुला दीजिए ना, हमने जगमाल को सुधारने का अवसर दिया है, शांत हो जाइए। दादा भाई, चेतक क्या हमारी वजह से अशांत हो रहा है? नहीं जगमाल, क्या है कि इनके मन में हमारे लिए बहुत स्नेह है, इसलिए इतना अशांत हो रहा था। अब ठीक है, आइए चलते हैं। पीर और मुर्शीद ने जलाल से कहा कि जो अगर उनका सीधा सीधा सामना मैदाने जंग में प्रताप से हुआ तो वो प्रताप को हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए जब से वो वहां से लौट कर आए हैं इतने मायूस हैं। लगता है हमें ही जलाल से बात करके उनके दिमाग में थोड़ी अकल डालनी पड़ेगी, वरना उनकी गैरहाजिरी में बैरम खान आहिस्ता आहिस्ता ही सही मगर शर्त दिया पूरी सल्तनत पर अपने हक को जमाने लगेगा, पर फड़फड़ाने लगेगा। ये खीखी क्या लगा रखी है? एक मामूली सी खबर क्या लाके हमें दे दी है? अपनी औकात भूल गए? बेगम साहिबा, हंसी तो हमें इसलिए आई कि मर्दों के संग दिल दुनिया में रहते रहते आप तो भूल ही गई एक औरत की तरह सोचना। क्या मतलब? पीर साहब ने फरमाया था कि शहंशाह को एक खूबसूरत हुस्न परी अपने असर में ले सकती। बचाओगे ना हमें? जितनी तेज भाग सकते हो ना भाग जाना। देख नहीं रहे दादा भाई ने ये बीच मार्ग में रुक के हमें मारने का विचार कर रहे होंगे। हम यहाँ पर उनके साथ आए क्यों? हे भगवान, हमें उनके साथ आना ही नहीं चाहिए था। आप अपने हाथ उठा लो। कुंवर प्रताप, हम हैं पत्ता। अब यहां क्या कर रहे हैं? हे भगवान, भय के मारे मरी गए थे हम तो। जब आप अकेले बिना सेना को साथ लिए जहीर सकाय जैसे क्रूर और दुर्दांत योद्धा को मारने के लिए निकल पड़े तो आपके पीछे पीछे आने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। किंतु दादा भाई, हम सेना साथ क्यों नहीं लेके जा रहे? हाँ कुंवर प्रताप, आपकी ये बात तो हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही। यदि आप दोनों भूल चुके हैं तो हम याद दिला दें कि अब हम मेवाड़ के सेनापति नहीं, हम राजमहल के एक नजरबंद बंदी हैं। अब हम सेना को कोई आदेश नहीं दे सकते, और वैसे भी हमने सुना है कि जई सक्का एक बार में एक प्रतिद्वंदी से ही लड़ता है और उसे हराता भी है। उसे हराने के लिए हमें सेना की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है पत्ता। सूर्यास्त तक संध्या वंदन के लिए रुकने से पहले हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चलिए। जरा सोचिए बेगम साहिबा, एक खूबसूरत हुस्न पर जो हुस्न की मलिका हो, जिसकी किस्मत और नियत दोनों ही शहंशाह की कदम बोसी हो, और जिसे आप कहीं से ढूंढ कर शहंशाह के लिए लाए, जो अपने हुस्न और नाजो अंदाज के जोर पर शहंशाह को अपनी गिरफ्त में कर ले, पर खुद
खुद वो हो आपकी गिरफ्त में। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? रुखैया की तरफ तो नजर तक उठाकर नहीं देखते हैं शहंशाह, वो क्या खाक लेंगे उन्हें अपनी गिरफ्त में? नहीं नहीं बेगम साहिबा, आप समझी नहीं, रुखैया बेगम तो बेगम है शहंशाह की, और अल्लाह झूठ ना बुलवाए काफी पुरानी भी हो चुकी है। आप समझ रहे हैं ना हम क्या इशारा कर रहे हैं? बेगम के अलावा कोई और एक ऐसी खूबसूरत कनीज शहंशाह की खिदमत के लिए ऐसी है एक खूब पर। कौन है वो बेगम साहिबा? सलीमा। जिंदगी यूं तो बेसबब कटनी थी, कट भी रही थी, जाने कैसे तेरा पैगाम आया तो करार आया। किसी आसमानी हूर की तरह खूबसूरत, लोमड़ी की मानी चालाक। सबसे बड़ी बात तो बड़े बड़े ख्वाब देखने का खत भी है उसे। बेगम साहिबा आपकी बातें सुन के तो ऐसा लगता है ये वही खातून हो सकती जिसकी दरकार है शहंशाह को। बेशक। दादा भाई के साथ रहते तो इतनी घबराहट क्यों होती है हमें? जल्दी उनको गोली मारने का अवसर मिल जाए, नहीं तो भय से ऐसे ही मर जाएंगे हम। हे भगवान, कहां चले गए दादा भाई? दादा भाई आप लाइए, दीजिए हमें। क्या दादा भाई? अब भली भांति जानते हैं क्या? हे भगवान, कि दादा भाई को पता तो नहीं चल गया कि हमारे पास ही बंदूक है? इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमने आपसे कुछ मांगा है, दीजिए हमें। दादा भाई वो तो केवल दादा भाई हमने 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 अपनी सुरक्षा के लिए रखा है दादा भाई। अब आपके और आपके सुरक्षा के पूरे उत्तरदायित्व हम लेते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आपको कायरतापूर्ण बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं। एक सच्चे राजपूत की भांति आपको अपने कठिनाइयों से लड़ना होगा। दीजिए हमें। हमने आपसे कहा कि अब जो कुछ भी हमसे छिपा रहे हैं आप इसी क्षण हमें दीजिए चूरन। विजय चूरन, बस इतना ही आपके पास? हाँ दादा भाई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तलाशी लेने में बहुत अच्छा अभ्यास है पत्ता का। दादा भाई नहीं 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 दादा भाई, हम देते हम। अब जाइए और जाके पत्ता की सहायता कीजिए तंबू गाड़ने में। हमें जल्द से जल्द विश्राम करना है, अकल प्रातःकाल जई सक्का को चुनौती देने के लिए निकल पड़ेंगे हम। जी जी दादा भाई। हे एकलिंग जी, क्या स्थिति हो गई है भाई जगपाल की? नशे की ऐसी लत, बहुत शीघ्र हमें इन्हें सदमार्ग पर लेकर आना होगा, और हम इन्हें लेकर आएंगे, हर हाल में लेकर आएंगे, ये वचन देते हैं हम आपको।
आपसे कहा कि अब जो कुछ भी हमसे छिपा रहे हैं आप इसी क्षण हमें दीजिए। हमने बहुत बुरा सपना देखा दादा भाई। ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ पर हवा में हमारे हमारे डर से आंखें बंद हो गई दादा भाई। व्यस वो क्या है कि विजया चूलन के निरंतर उपयोग से आपको उसकी लत लग गई है। आपके शरीर को अचानक ही चून मिलना बंद हुआ है, इसलिए कुछ समय तक तो प्रभाव रहेगा। अब चाहे जो भी हो उसके बिना रहने की आदत डाल लीजिए। आपकी उद्विग्नता और शारीरिक टूटन से मुक्ति के लिए एक मार्ग है हमारे पास। क्या था भाई? सुनो, हमें इसी समय तुम्हारे इस सराय में उपस्थित सभी अतिथियों की तलाशी लेनी है, क्योंकि एक व्यक्ति चित्तौड़ से एक बहुत ही खतरनाक हथियार जिसे बंदूक कहा जाता है उसे वहां पर किसी को बेचकर यहां आया है। शीघ्र अपने सभी अतिथियों को बाहर बुलाओ। हमने कहा ना हुकुम, हम आपको इस समय सराय के भीतर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि हमारे सारे के सारे अतिथिगण इस समय खा पीर करके विश्राम कर रहे हैं। हमने कहा बाबूजी, संभवतः अब आप हमें भीतर प्रवेश करने देंगे। मेवाड़नाथ हुकुम। चलिए अंदर। किंतु दादा भाई, इससे होगा क्या? कौन जगमाल, इससे आपको आराम मिलेगा, आपके हाथ पांव को हवा में होने का आभास मिलेगा और फिर आपको नींद भी आ जाएगी। प्रातःकाल जई सका के दुर्ग के लिए हमें निकलना है, इसलिए तब तक आप जितनी भी नींद ले सके ले लीजिए। शुभ रात्रि। सो जाइए। चलिए डॉक्टर जी, उधर देखते हैं। दावत जी, पत्ता के बताए विवरण से कोई भी मेल नहीं खा रहा है। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है कुंवर प्रताप के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और हम भी निराशा के अंधे कूप में डूबते जा रहे हैं। राणा जी, स्वयं को संभालिए, हमें विश्वास है कि हम उस बंदूक विक्रेता को शीघ्र ही खोज लेंगे।
रावत जी, हमें लगता है कि हमें बाहर चल के प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक बात तो हम जानते हैं कि वो बंदूक विक्रेता यहाँ आएगा अवश्य। जी राणा जी। हे भगवान, अब क्या होगा? एक और कोशिश करो। सही सको, 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 सही सको। चुराऊंगा तो थोड़ा चला आएगा प्रताप। खुशामदी। इतना गुस्सा क्यों प्रताप? बंदा कब से आपके आने का इंतजार कर रहा था। आप तो गौ रक्षक प्रतिपालक, रक्षा कीजिए हमारी गायों की। अपने धर्म का पालन कीजिए कुंवर प्रताप, फिर कीजिए जहीर सका से हमारी गायों की रक्षा कुंवर प्रताप। जहीर सका का हमारे क्रोध का कारण भली भली बात पता होना चाहिए। सुना है कोई विरामीन गया था आपके पास हमारे खिलाफ शिकायत लेकर, और आप आए हैं उसे इंसाफ दिला दिया, मुझसे लड़ाई कर। और अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते।